हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूँ स्वाति एंड आपको लग रहा होगा कि मैं हाफ हाफ रेडी एंड हाफ अनरेडी क्यों, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट किया, उससे पहले मैं कहीं जाके आई हूँ तो ज्वेलरी आधी पहनी हुई थी आधी निकाली, तो मैंने बोला चलो इयर रिंग्स रख लेते हैं, इट्स गोइंग गुड ऑन दिस ड्रेस ऑल्सो, कभी कभी लगता है ना अच्छा लग रहा है, तो आई कंटिन्यूड वेयरिंग दिस वाइल शूटिंग द वीडियो। तो मैं अभी आपके साथ जो है जडकी के कुछ कलेक्शन शेयर करना चाहूँगी, जहाँ पे मैक्सिमम मैंने सारी साड़ियाँ ली है एंड एक लहंगा लिया है एंड माय गॉड, क्योंकि मैं इससे पहले जहाँ गई थी उसके लिए मैंने साड़ी पहनी थी एंड उसका ब्लाउज ही मैंने जो है बाकी सारियों के साथ कंटिन्यू किया, क्योंकि सिले तो है नहीं बाकी कोई इसलिए, बट सारों के साथ जो है वो मैच कर गया एंड लुकिंग वेरी गुड। मेरे को तो कुछ कुछ ड्रेसेस में तो मेरा ही दिल आ गया, मैं कहीं अगर मैं अपने आप की नहीं होती तो मैं लाइन मार रही होती शायद, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे सारी ड्रेसेस। तो मैं आपको एक एक करके पहले उनकी क्वालिटी के बारे में सब कुछ बता देती हूँ ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए, एंड जडकी के बारे में आई डोंट थिंक कि यूट्यूब पे अभी ऐसा कोई है जिसको पता नहीं होगा, बिकॉज उसके कलेक्शंस काफ़ी अच्छे हैं एंड मटेरियल होगा या जो भी है बहुत अच्छे हैं, काफ़ी महंगे महंगे रेट वाले आपको काफ़ी सस्ते में मिलने वाले। इससे पहले भी मैंने एक जडकी का वीडियो किया था, वो भी आप लोग को बहुत पसंद आया एंड आप लोगों ने उस वीडियो को भी बहुत प्यार दिया, एंड मैं वही आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को भी काफ़ी ढेर सारा प्यार देंगे एंड आपको जो पसंद आ रहा है आप ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज बहुत अफोर्डेबल रेट में अगर वही चीज़ें आप शॉप में लेने जाएंगे आप देख के बस विंडो शॉपिंग करके आ जाएंगे, बट शॉपिंग नहीं करेंगे, बट दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डेफिनेटली शॉप, खाली हाथ नहीं जाएंगे आप। सो लेट मी शो यू ऑल द साड़ीज एंड अ लहंगा एंड लेट स्टार्ट विद दिस रेड साड़ी। ये रेड कलर की साड़ी है जिसमें जॉर्जेट की है, इसके साथ ये गोल्डन एंड ब्लैक बॉर्डर आया है, तो आप अगर इसके साथ ब्लैक ब्लाउज पहनेंगे वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा, या अगर आप गोल्डन पहनना चाहते तो वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसके साथ जो पीस दिया हुआ है वो ये गोल्डन कलर का पीस दिया हुआ है, देखिए तो ये गोल्डन जब सिलवाएंगे तो इसके साथ काफ़ी अच्छा लगेगा। तो पूरे साड़ी में जो है पूरी साड़ी प्लेन है लेकिन बॉर्डर ऐसे पूरा दिया हुआ है, तो दिस इज़ द साड़ी। जब मैं कंप्लीट लुक दिखाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा कहाँ तक क्या क्या है करके। सो दिस इज़ वन साड़ी, क्वालिटी इज़ वेरी गुड। आप ये सेम साड़ी मैं कुछ टाइम पहले एक मॉल में गई थी, सेम डिटो ऐसी ही साड़ी थी, उसके ऊपर भी ऐसे ही बॉर्डर था, मैं लेना चाह रही थी बट इट वॉज़ 8,000। आई कुडंट बिलीव इट कि क्या है भैया इस साड़ी में कि 8,000 है, एंड आई एम ग्लैड कि मुझे अभी ये मिल चुकी है। तो नेक्स्ट साड़ी पे चलते हैं, ये देखिए इसका काम देख रहे हैं आप कितना बढ़िया है, एंड ये आपको जब आप पहनोगे तो ऐसे आएगा एंड इट लुक सो ऑसम एंड लाइव में तो और भी ज़्यादा अच्छा है। आप बीच में जो है एक बेल्ट टाइप की आती है ना जो चेन वेन वैसे भी लगाएंगे तो भी अच्छा लुक आएगा, अगर आप इसके प्लेट्स लगा के पहनते हैं, मतलब एनी एंगल आप फ्लो करके पहनो या प्लेट्स लगा के पहनो कैसे भी पहनो मज़ा आने वाला है आपको पहन कर। और इस ऐसी वाली साड़ी पहनने के बाद क्या बोलते हैं इसमें रफल बोलते हैं, ये रफल साड़ी जो होती है ना वो है, ये पूरा पल्लू एंड नीचे का जो प्लेट्स आते हैं वो पूरे ऐसे आएंगे, तो काफ़ी रिच लग रहा है, आप देखना इसके बाद लुक मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये भी जॉर्जेट है लेकिन सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है, ऐसे नहीं है कि भैया बहुत खसखस कर रहा हो आपकी स्किन को थोड़ा हर्ट कर रहा हो, कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो टच होते हैं ना तो बड़ी गर्मी सी लगती है या खुदरा सा लगता है, लेकिन ये सारे कपड़े जो भी हैं मेरे पास काफ़ी अच्छा मटेरियल है उनका, एंड यू विल फील कम्फर्टेबल इन ऑन दो सारीज एंड यू विल लुक डिफरेंट अमंग्स जहाँ पर भी आप जाओगे। एंड नेक्स्ट इज दिस वन, देख रहे हैं आप काम कितना ब्यूटीफुली किया हुआ है, एंड इसका कलर, ये कलर बहुत रेयर है ना, हर जगह मिलता नहीं है, तो मैंने ये कलर भी एक ले लिया, एंड देखिए इसको पहनते ही एक डिफरेंट सा एक रिच सा लुक आ रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि देखो, मैंने इसलिए कान के निकाले नहीं थे कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे जब लगा के दिखाऊंगी तो आपको जो है समझ में आए लुक कैसा है इसका। सो इट्स लुकिंग सो ऑसम एंड इतना ठंडा ठंडा लग रहा है इसको, बहुत अच्छा मटेरियल है इसका। सो पूरी साड़ी में जो है नीचे पूरे जो प्लेट्स बनाते हैं हम पूरे उसमें ये ऐसा ही डिज़ाइन आ हुआ है, तो अगर आप मैं इसकी प्लेट्स भी लगाती हूँ तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा, एंड ये साइड में आके हाई करे जा रहे हैं निककर खिसक रही है बेटा, ये देखो अगर आप प्लेट लगाते हो सो इट लुक लाइक दिस, अच्छा लग रहा है ना। एंड नेक्स्ट इज़ दिस वन, ये साड़ी का कलर देखो आप, मैं नज़दीक से एक बार जूम मतलब कैमरा फोकस करती हूँ इसके ऊपर, ये देखो क्या काम है इसके ऊपर, इसका ब्लाउज जो है रेड कलर में आया है, तो मैंने जो साड़ी के साथ पहना था ब्लाउज वो इसके साथ काफ़ी अच्छा गया, एंड पूरी साड़ी पे ऐसा वर्क है, ये पल्लू है इसका, पल्लू में पूरा ऐसे वर्क दिया हुआ है, प्लस जो साड़ी है उसमें हाफ तक पूरा ये वर्क दिया हुआ है, दिखाती हूँ मैं आपको एक मिनट पाल दी मैंने, ये देखो ये लेंथ है साड़ी की, जो बोलते हैं ना लंबाई है, एंड इसके हाफ तक ऐसे
दिया हुआ है एंड मटेरियल भी इसका काफ़ी अच्छा है। ऐसे नहीं है कि ये आपकी बॉडी पे ना एकदम टिक जाएगा, जैसे आप रखोगे साड़ी को वैसे रहेगी, ये नहीं कि बार बार फिसल रही है। देखो मैंने अभी ऐसे रखा है तो वो फिर भी घिसकी नहीं है, मतलब इसमें ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसी साड़ियाँ जो होती है ना आपकी बात सुनती है, जैसे आप चाहते हो ना फ्रिल ऐसे रुके या प्लेट्स ऐसे रुके तो वो वैसे ही रुकती है, तो ये उस टाइप की साड़ी है एंड मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। मतलब मेरे को सारी अच्छी लगी जो जो मैंने ऑर्डर करी, बहुत सोच समझ के इत्मीनान से जो है ऑर्डर करी थी मैंने, तो अब अच्छी नहीं लगेगी तो क्या लगेगी, है ना। देखो बताओ अच्छा लग रहा है। तो इन सब साड़ियों का लुक तभी है ना जिस दिन आप इसको एक्चुअल में पहन के कहीं रेडी होके जाते हो ना, उस दिन फुल रेडी होते हो उन कपड़ों के हिसाब से, मेकअप करते हो सब कुछ, तब तो और कहर डाल देते हो। तो बहुत लोग मुझे बोलते भी ये साड़ी आप पे बहुत अच्छी लगती है, फ्रीक्वेंटली पहना हुआ रहो, लेकिन घर में पहनना होता नहीं है बच्चों की जो है, मेरे को बाबा बाथरूम में घुसना पड़ता है, समझ जाओ अभी आप, इसलिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है। बट जब मैं बाहर जाती हूँ कहीं तो तब कोई फंक्शन वंक्शन तब तो साड़ी ही पहनती हूँ, यू हैव सीन ऑल दैट। तो दिस इज़ वन एंड उसके बाद एक धासू वाली साड़ी मेरे को इतनी पसंद आई है, फ़ोटो में मेरे को इतना ज़्यादा उसके साथ आशाएं नहीं थी, मतलब अच्छी लगी थी मुझे लेकिन रियल में ऐसी होगी करके मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया। देखिए इस पे ऐसे नेट लगा हुआ है एंड नेट के ऊपर ये पता नहीं मैं कैसे समझाऊँ, इतनी अच्छी साड़ी है, पट्टू साड़ी टाइप है ये एंड इसका ये वाले कलर का ब्लाउज आया है, तो देख लीजिए आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो ऑसम होने वाला है। इस वाली साड़ी को आप किसी शादी में भी पहनोगे ना तो सही में सब लोग आपसे आके पूछने वाले हैं कि आपने कहाँ से ली साड़ी, पक्का पूछेंगे। मेरे को तो आज तक ऐसी साड़ी कहीं पे भी शॉप में दिखी ही नहीं है, दिस इज़ रियली अमेजिंग। देखो यार क्या गजब साड़ी है, मेरे हस्बैंड को मैंने दिखाई तो मेरे हस्बैंड बोलते बाप रे बहुत अच्छी है करके, सीरियसली। और इसके ये जो है ये पूरा पट्टू टाइप है, पट्टू आपको देखो मैं ऐसे से घुमा रही हूँ। तो इससे पहले मैंने एक बार एक पिंक साड़ी खरीदी थी एक एग्जीबिशन से, जो ऐसी ही थी इनफिन लेकिन बहुत कॉस्टली थी, राइट। लेकिन आप इन सब साड़ियों को बहुत सस्ते में ले सकते हैं, दिस इज़ सो गुड आई टेल यू, सो गुड। मेरे को तो देख रही हूँ तो देखते ही रहने का मन कर रहा है। एंड लास्ट ये मैंने एक लहंगा लिया है, इससे पहले भी जब मैंने लहंगा लिया था तब मैंने ऐसी जो भी ऊपर पहना हुआ था, जो भी घर की ड्रेस थी उसके ऊपर पहना था, ब्लाउज़ के साथ नहीं पहना था। बट नाउ जब मैंने ब्लाउज़ के साथ लहंगा पहना, इससे पहले मैं कभी लहंगे पहने नहीं है एंड जब मैंने लहंगा पहना तो क्या लग रहा था यार, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा था। अभी इसको सिलवा के जब इसका ब्लाउज वाला सिल जाएगा ना तब तो मैं सोचूं जल्दी कोई शादी आए बहुत ग्रैंड वाली और मैं लहंगा पहन के जाऊँ। साड़ियाँ तो खूब पहन ली, अब तो लहंगा पहनने की बारी है। तो इसका देखिए वर्क कितना अच्छा दिया हुआ है, पूरी ऐसा कोई जगह नहीं है कि आपको लहंगे में कहीं खाली मिलेगा। तो ये देखिए ये लेंथ है एंड नीचे पूरा इस तरह से दिया हुआ है। सो और दूसरा इसके अंदर लाइनिंग भी लगी हुई है, आपको अलग से अंदर कोई कपड़ा सिलवाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सिला सिलाया है, बस आपके कमर के साइज़ के हिसाब से आपको इसको जुड़वा के इसमें नाड़ा घुसाना है एंड साइड में सिलवा देना है, तो आपका लहंगा रेडी है। एंड जस्ट जैसे आप साड़ी के लिए ब्लाउज सिलाते हैं वैसे आप लहंगे के लिए ब्लाउज सिला लेंगे तो पूरा रेडी जाएगा। एंड ये अनस्टिच्ड है और कितना मोटा भी हो कितना पतला भी हो सबको मैक्सिमम ये आने वाला साइज़ है, तो हर कोई खरीद सकता है, कोई टेंशन नहीं है। एंड इसकी चुन्नी भी काफ़ी मस्त है एंड इसका ब्लाउज पीस भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये है इसका ब्लाउज देख रहे हैं। एंड ये एक साइड ये पीछे का साइड का है, ये आगे का साइड का है एंड दिस इज चुन्नी, चुन्नी ऐसे नेटेड में आई है। वाह कितना अच्छा लग रहा है ना देख के। पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। तो ये है साड़ियाँ, तो यही है ज़टकी का इस बार का कलेक्शन जो मैंने ऑर्डर किया है। कैसा लगा आपको मेरा कलेक्शन, मेरी पसंद, क्योंकि मुझे तो काफ़ी पसंद आया है, हो सकता है शायद किसी को पसंद आए बट नेवर माइंड, अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। तो अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो क्या करना है आपको, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक को प्रेस करना है एंड पहुँच जाना है लोकेशन पर और वहाँ से शॉपिंग कर लेनी है। तो लुक बुक भी देख लीजिए एंड इसके बाद मैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड शॉप अगर किसी ने किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके फोटो ज़रूर भेजना, बिकॉज इतनी अच्छी साड़ियों में मैं जब अपने आप को देखना पसंद करती हूँ, आई वुड लाइक टू सी यू ऑल्सो इन दो साड़ीज और एनी टाइप ऑफ क्लोथिंग। बाय बाय। Girlfriend, you gotta learn to fight. Girlfriend, you gotta get it right. Keep your eyes on the prize. Girlfriend, you gotta get it right. You gotta want it with all your might. Girlfriend.